ਕਟ ਜੀ ਦੱਸੋ ਦੋ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਗਰ ਹੀਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਟਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਟਸੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ नहीं कोई बात नहीं नाराज़ बेसिकली चलो हो सकते हैं हम सबसे बड़े हैं हमारे लीडर हैं तो ऐसी कोई बात नहीं आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ ठीक हो जाए राजनीति करना चेहरिया की राजनीति नहीं करना देखो सानू काम तो करना ही पेगा ये तो है नहीं गा कि सानू देखो अज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज सोशल मीडिया इट इज़ ए डबल एज वैपन एक अज किसी बहुत पॉजिटिव पासे लिजा के बहुत TRP उपर लै जाता जे असी काम नहीं करते तो फिर उन्ना ही थले नू लै आउंदा सो इस करके सानू काम करने की जरूरत आ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जरूरत हैगी आ मैं तो मैं कह दिया कल्ला बेअदबी दे इशू नहीं है पावर परचेज एग्रीमेंट्स भी है जिहड़े होर क्योंकि जिहड़ा ड्रग का इशू हैगा ईवन के 31,000 करोड़ रुपये का क्योंकि मैं तो भुलदा नहीं कई बार तुम बिचों भुल भल जाने पर होनी चाहिए सी तुहानू याद करा दिना मैं अज तो 2.25 साल पहला मैं चिट्ठी लिखी सी जे सारिया ने असी ये किते ना किते पहरा दिता हुंदा ते अज ये समा नहीं सी आना क्योंकि समा रेंदे ते जदों तुसी काम करदे विजुअलाइजेशन की हुंदी आ विजुअलाइजेशन तो यही हुंदी आ भी जदों मान लो पावर परचेज एग्रीमेंट जिहड़े आ जे उन्हां नूं रिव्यू किया हुंदा उहदे ते सारी ते किते ना किते माइंड अपलाई किया हुंदा अज पंजाब नूं बिजली दा संकट नहीं आउणा सी क्योंकि जदों असी समय रेंदे ते इन्हां चीज़ां ते ध्यान नहीं करदे ते उदों ये समस्यावां जिहड़ियां खड़ियां हुंदियां साडे सामने सो वी नीड टू विजुलाइज और उहदे ते सानूं मेहनत करन दी जरूरत आ और बड़ी क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी मैं तो हमेशा इको गल कहना हुंदा भई लीडर बनो चमचे ना बनो मैं हमेशा एक गल कहना हुंदा क्योंकि होया कि पिछले बहुते समय दे विच जदों कोई भी साडे पावर कोरीडोर बनदी आ उहदे विच कुछ बंदियां दा जमावड़ा बन जांदा क्योंकि बंदा तां बंदा हुंदा कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हुंदा ते ओ जिहड़ा बंदा आ उहनूं जदों उहदे आले दुआले किते जिहड़ी जगह नहीं दित्ती जांदी उहदे कोल इनफॉर्मेशन नहीं आउंदी तां फिर ओह कई वारी गलत फैसले लैण लगदा प्रगट जी एक सवाल हुण अगली डेवलपमेंट तुसीं कैप्टन खेमा तों कद तक एक्सपेक्ट करदे हो देखो ये तो मैं लगता कि वी विल डिस्कस इट ग्रुप ते बन गया इन लीडर्स ने लेजिस्लेचर्स ने सारे जड़े है यार कोई प्रेशर ग्रुप नहीं मैं आज भी कहना कोई साडा इंडिविजुअल ग्रुप नहीं है मैं कभी कोई ग्रुप नहीं बनाया सिद्धू ने कभी कोई ग्रुप नहीं बनाया मैं तो असी एक टीम नू दो जगह किवें वंड देईए ये नहीं हो सकता ये नाल पंजाब का नुकसान होगा पार्टी का तो होगा सो इस करके बेसिकली किसी की क्रिएशन नहीं है कोई इदा का थॉट प्रोसैस नहीं है वी नीड टू मेक ए टीम और टीम के चंगे प्लेयर जोड़े वो खेडन ताकि वह जी टीम है वह जितने प्रगट सिंह की उम्मीद कर सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनने कांग्रेस पंजाब की नवी डिवेलपमेंट हो सकती है नहीं देखो बेसिकली तो काम करने की जरूरत हैगी जे 5-6 इशू है असी जो लोगों जाना अजे 5 तो 6 महीने का समा है तो सानू स्पीड अप करके उदे परफॉर्मेंस देने की जरूरत हैगी डिलीवरी करने की जरूरत हैगी कि लोगों असी जाके कंफर्टेबली फेस कर सकी कैबिनेट दे विच फेरबदल दी तुहानू लगदा कि लोड़ हैगी क्योंकि देखो मैनू देखो मैनू लगता टाइम इज टू शॉर्ट
मैनू लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा फेरबदल की जरूरत हैगी आ, क्योंकि बहुते मंत्रियों नूं तां तीन तीन चार चार महीने उस महकमिया के काम समझण नूं लग जाते हैं। लिख नहीं 18 निकाती प्रोग्राम तो डिलीवरी करन दी जरूरत हैगी आ। सो सारिया चीज़ा तो सानू काम करन दी जरूरत हैगी आ, और 24 घंटे सत्तों दिन जिहड़ा काम करन दी जरूरत है। नवजोत सिंह सिद्धू की प्रधानगी तुसी वखरा किवें देखदे हो जिहड़े अपने सबका प्रधान हैगे ने उन्हां दे नालों? मैं वखरा नहीं देख रहा, मैं तो जो सुनील जाखड़ जी ने काम किया वो हमेशा साढ़े मन दे विच रहेगा। जो सुनील जाखड़ ने सुनील लड़ाई लड़ी कांग्रेस लई वो साढ़े मन दे विच है। साडा सत्कार पहलां नाल भी उन्होंने को नाल ज़्यादा, पहलां कितें असीं 2 दिन जां 3 दिन जां 10 दिन बाद मिलते सी। जिस दिन की गल चली है जाखड़ साहब तो असीं हर रोज़ मिलते हैं, अज भी तुसीं देखिया मैं उत्थे बैठा सी, कल भी देखिया गया उत्थे बैठा सी। जो सुनील जाखड़ कांग्रेस लई बेहतर कर सकदा सुनील जाखड़ ने उहदे तों वध कीता। 2022 जित के आवांगे, तुहाडे नाल वादा तुहाडे नाल फिर इहनां कोठे 'च बैठ के गल करांगे। मैं कहा मैं उम्मीदां दा इह हैगा कि उम्मीदां तां उम्मीद तां मतलब जिहड़ी हैगी आ कांग्रेस पार्टी दी चढ़दी कला दी है। वर्कर जिहड़ा हैगा आ उहदे 'च उत्साह आ, वर्कर चाहुंदा आ कि कांग्रेस दी सरकार दुबारा आए। सो उहदे वास्ते प्लानिंग बना के सारिआं नूं नाल लै के इकट्ठे हो के काम कीता जाऊगा। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, क्योंकि कुलजीत सिंह नागरा जथेबंधक ढांचों के निकलिया आ, चाहे मैं कॉलेज के प्रधान के रूप के यूनीवर्सिटी के अपने पूसू पंजाब यूनीवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रधान के रूप से इलैक्टड प्रेजीडेंट पंजाब यूनीवर्सिटी सैनेट के ग्रैजुएट कॉन्स्टिचुएंसी तो, चाहे IYC के, चाहे किसान कांग्रेस पंजाब का प्रधान, चाहे मैं AICC सैकटरी, चाहे CWC का मैंबर इंचार्ज त्रिपुरा नागालैंड सिक्किम का सीगा, जथेबंधक ढांचे के आन करके मेरी जिम्मेवारी बहुत वड्डी है कि मैं जथेबंदी दे विच वर्कर की जिहड़ी एक पछाण हैगी, जिवें पार्टी ने अज वर्कर की पछाण की, असी अगे जिले लैवल दे उत्ते ब्लॉक लैवल दे उत्ते ब्लॉक समिति लैवल दे उत्ते असी वर्कर की पछाण करके उन्हां नूं कम वंडीए। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, अनाउंसमेंट तो बाद पिछले 14-15 घंटे के किस तरह निकले तुहाडे 14-15 घंटे? देख लो, मेरे ख्याल के 14 मेरे ख्याल से कोई 2-3 हज़ार फोन कॉल्स ने, बाकी आ तुहाडे लोकां च निकले, बाकी साथियों मिल रहे हैं।